तो दोस्तों बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों फिर मैं जिस तरह हैप्पी न्यू ईयर स्टेटस को देखा, इस तरह स्टेटस अब भी बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए। बहुत सिंपल है इस स्टेटस को बनाना, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए मेरे इस चैनल पर। आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है खराब लगता है एक कमेंट भी कर दीजिए। और वीडियो बनाने में कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो फोटो पीजी जो कुछ नहीं यूज करने वाला हूँ सभी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और जो मैं इफेक्ट फोन यूज करने वाला हूँ सभी चीज़ मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उधर से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टेटस को बनाने के लिए एलाइट मोशन ऐप को ओपन करना पड़ेगा, तो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मैं एलाइट मोशन ऐप ओपन कर लिया हूँ, तो आप भी एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना। एलाइट मोशन में आने के बाद यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर आ जाना, और जो सॉन्ग बीट मार्क और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है ये दोनों प्रोजेक्ट को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। और देखो यहाँ पर जो सॉन्ग बीट मार्क है इसको ओपन कर लेना। तो सॉन्ग बीट मार्क में आने के बाद इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट में कुछ इस तरह मैं तैयार करके रखा हूँ। देखो सेट मोशन जो है उसको कम करो और जो इन्जॉय है उसको फुल करो, ऐसे मैं देखो फर्स्ट में क्रिएट करके रखा हूँ। और आगे आ जाना, आगे आने के बाद देखो कुछ इस तरह आपको फोटो ऐड देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पर ये जो लेयर है, देखो ये लेयर फॉलो करके आपको फोटो ऐड करना है। और मिडिल में देखो बीच बीच में एक बीट है, तो ये बीट के हिसाब से आपको लिरिक्स ऐड करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर फर्स्ट में आ जाना, और मतलब ये बीट में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखो एक फ़ोटो ऐड करना पड़ेगा, और उसका लेयर देखो ये बीट तक लाना पड़ेगा। तो चलिए दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आ जाना, यहाँ पर एक फ़ोटो ऐड करेंगे तो उसके लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और जिस फोटो पर वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड कर लेना। तो देखो मैं आपको दिखाने के लिए सिंपली यहाँ पर एक फ़ोटो में ऐड कर लेता हूँ। तो देखो ये वाला फ़ोटो मैं ऐड कर लिया हूँ। फोटो को ऐड करने के बाद दोस्तों फोटो को ऐसा करके फुल स्क्रीन कर लेना। फुल स्क्रीन करने के बाद देखो ये जो बीट है ये बीट तक लाना पड़ेगा। देखो ये लेयर फॉलो करके आपको ये फोटो को ये बीट तक ले आना, देखो कुछ इस तरह करके। और सेकंड फोटो फिर से ऐड करेंगे तो उसके लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और फिर से और एक फ़ोटो को ऐड कर लेना, और इसको ऐसे करके फुल स्क्रीन कर लेना। फुल स्क्रीन करने के बाद देखो यहाँ पर इसका जो लेयर है देखो ये बीट तक लाना पड़ेगा। तो ये बीट में आ जाना, ये फोटो लेयर को टच करना, ये वाला ऑप्शन को टच करना। तो ऐसे करके आप लोग ये जो बीट है ये बीट में फ़ोटो को ऐड कर लेना एकदम एंड तक, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करके आप भी फ़ोटो को ऐड कर लेना। मतलब आप लोग गाना को सुन लेना, मतलब आप अगर सुनोगे सॉन्ग को तो समझ में आ जाओगे मतलब यहाँ पर कौन सा फ़ोटो ऐड करना है और ये बीट में कौन सा फ़ोटो ऐड करना है। तो गाना के हिसाब से फ़ोटो को ऐड कर लेना, और फ़ोटो ऐड करना कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो फ़ोटो है मेन फ़ोटो में अब इफेक्ट ऐड करेंगे। तो फोटो में इफेक्ट देने के लिए एक बार बैक हो जाना, इफेक्ट प्रोजेक्ट में आ जाना। इसमें आने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो फोटो है ये फोटो लेयर को टच करना है, इफेक्ट ऑप्शन में आपको आना है, पीरियड को टच करना है और फोटो इफेक्ट कर लेना। उसके बाद बैक हो जाना, सॉन्ग बीट मार्क को ओपन कर लेना। सॉन्ग बीट मार्क में आने के बाद यहाँ पर जिस दिन से आप फोटो ऐड करोगे सभी बीट में ये इफेक्ट को आपको लगाना है सभी फोटो में। तो फोटो में इफेक्ट देने के लिए फोटो लेयर को टच करना है, इफेक्ट ऑप्शन में आपको आना है, पीरियड को टच करके पेस्ट इफेक्ट करना है। तो देखो फोटो में कुछ इस तरह आपको इफेक्ट नज़र आ जाएगा, देख सकते हो कुछ इस तरह। तो ऐसा करके आप लोग ये जो फोटो ऐड करोगे बीट में फोटो में इफेक्ट ऐड कर लेना, और फोटो में इफेक्ट ऐड करना कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों अब क्या करेंगे। देखो यहाँ पर जो बीट है ये बीट में अब सॉन्ग लिरिक्स ऐड करेंगे। तो सॉन्ग लिरिक्स ऐड करने के लिए सॉन्ग को आपको प्ले करके सुनना पड़ेगा। तो देखो मैं आपको थोड़ा सुना देता हूँ। तो सॉन्ग को सुनने के बाद दोस्तों प्लस ऑप्शन को टच करना, डबल टेक्स्ट में आ जाना, और इधर से लिरिक्स को लिख लेना। और मतलब मैं लिरिक्स पहले से लिख कर रखा हूँ, उधर से कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट करने वाला हूँ। तो देखो मैं नोटपैड ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो देखो मैं नोटपैड ऐप को ओपन कर लिया हूँ, तो आप भी नोटपैड ऐप को ओपन कर लेना, और जो लिरिक्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा उधर से कॉपी करके नोटपैड ऐप में पेस्ट कर लेना। और फर्स्ट जो लाइन है वो ऐसा करके कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद दोस्तों लाइट मोशन में फिर से आ जाना, और यहाँ पर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद देखो ये जो ऑप्शन यहाँ पर टच करना होगा, रोबोट रेगुलर ऑप्शन में आ जाना, ये जो फोन है ये फोन को सिलेक्ट कर लेना, और ये जो फोन है ये फोन मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड कर लेना। और जो ग्रीन डॉट है ग्रीन डॉट को ऐसे करके थोड़ा खींच लेना। यहाँ पर जो 18 बिट ऑप्शन यहाँ पर टच करना पड़ेगा, और ऐसे करके इसका जो साइज है अपने हिसाब से रख लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो कलर है कलर ऑप्शन को टच करना है, और अपने हिसाब से कलर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। तो मैं व्हाइट कलर रखने वाला हूँ, देख सकते हो। तो दोबारा टिक ऑप्शन को टिक कर देना।
और जो लिरिक्स है ये लिरिक्स अगर आप नीचे रखना चाहते हो तो ऐसे करके नीचे कर लेना। देखो तो मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ, तो देखो मैं यहाँ पर रख लिया हूँ, तो देखो यहाँ पर रख लिया हूँ। उसके बाद दोस्तों ये जो लेयर है ये लेयर को एकदम लास्ट तक लाना पड़ेगा, तो लास्ट में आ जाना, ये जो ऑप्शन है पर टच कर देना, तो देखो लिरिक्स का जो लेयर है एकदम एंड तक आ चुका है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, देखो लिरिक्स में शैडो ऐड करेंगे, तो शैडो ऐड करने के लिए लेयर को टच करना, बॉर्डर एंड शैडो ऑप्शन में आ जाना, ऐड यहाँ पर जो शैडो है यहाँ पर टच करना और शैडो को इनेबल कर देना। जो साइज को अपने हिसाब से रख लेना, तो मैं 8 रखने वाला हूँ, और जो पोजीशन है देखो 5 में रखने वाला हूँ, तो आप लोग अपने हिसाब से रख लेना। तो देखो कुछ इस तरह शैडो ऐड हो चुका है हमारा लिरिक्स में। तो अब क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर बीच बीच में जो बीट है ये बीट के हिसाब से आपको ये लिरिक्स लेयर को मिडिल कट करना है। तो देखो ऐसे करके और जितने सारे बीट है उतना आपको मिडिल कट करना है, तो ऐसे करके मिडिल कट कर लेना एकदम एंड तक। तो मैं ज़्यादा करके नहीं दिखा रहा हूँ, देखो बस इतना ही मैं क्या हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो आप लोग एकदम एंड तक मिडिल कट कर लेना, और मिडिल कट कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखो और फर्स्ट जो लिरिक्स है वो तो ऐड हो चुका है, तो आप सेकंड लिरिक्स ऐड करेंगे, तो सेकंड लिरिक्स ऐड करने के लिए सॉन्ग को दोबारा प्ले करके आपको सुनना पड़ेगा। तो देखो मैं आपको थोड़ा सुना देता हूँ, तो सॉन्ग को सुनने के बाद ये लेयर को टच करना है, डबल एडिट टेक्स्ट में आ जाना, और इसको पहले हटा देना, उसके बाद फिर से नोटपैड ऐप में आ जाना, और देखो सेकंड जो लाइन है वो कॉपी कर लेना, उसके बाद फिर से स्लाइड मोशन में आ जाना और यहाँ पर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद दोस्तों और कुछ भी छिड़का नहीं आपको यहाँ पर नहीं करना है, खाली एक बार टिक कर देना है। तो ऐसा करके आप लोग यहाँ पर जो लिरिक्स है लिरिक्स को ऐड कर लेना, और लिरिक्स ऐड करना हो जाने के बाद दोस्तों अब क्या करना है, लिरिक्स में अब इफेक्ट ऐड करेंगे। तो लिरिक्स में इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार बैक होना होगा, इफेक्ट प्रोजेक्ट में आना होगा। इफेक्ट प्रोजेक्ट में आने के बाद यहाँ पर जो मेरा नाम का जो लेयर है ये लेयर को टच करना है, इफेक्ट ऑप्शन में आपको आना है, फिटोट को टच करना है और कॉपी इफेक्ट कर लेना है। तो कॉपी इफेक्ट कर लेना, कॉपी इफेक्ट करने के बाद उसको बैक हो जाना, और यहाँ पर जो सॉन्ग बीट मार्क है ये प्रोजेक्ट में आ जाना, और देखो यहाँ पर जो लिरिक्स है ये लिरिक्स में ये इफेक्ट को आपको ऐड करना है। तो लिरिक्स लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना, फिटोट को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो देखो कुछ इस तरह हमारा जो लिरिक्स है उसमें इफेक्ट ऐड हो चुका है। तो ऐसे करके आप लोग लिरिक्स में इफेक्ट को ऐड कर लेना एकदम एंड तक। जितने सारे आप यहाँ पर लिरिक्स लेयर ऐड करोगे सभी लेयर में ये इफेक्ट को आपको ऐड करना है, तो एकदम एंड तक दे देना इफेक्ट को, और इफेक्ट देना कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों अब क्या करना होगा, देखो फास्ट में आ जाना, क्लास ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और देखो यहाँ पर आपको एक पिंज बॉर्डर जो है वो ऐड करना है, तो ये वाला पिंज बॉर्डर को ऐड कर लेना। पिंज बॉर्डर को ऐड करने के बाद लास्ट में आ जाना, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो दोस्तों ऐसे करके आप लोग स्टेटस बन लेना, और स्टेटस बनाना कंप्लीट हो जाने के बाद इसको एक्सपोर्ट कर लेना। तो वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए देखो यहाँ पर जो चार ऑप्शन यहाँ पर टच करना है, और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।